विलायत न्यूज में आपका खैर मकदम है। पुतिन की जगह भारत आएंगे लावरोफ, मोदी ने की रूसी सदर से बातचीत। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मकाम पर अगले माह भारत में होने वाले G20 सरबराह इजलास में हिस्सा लेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हाल ही में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका भी नहीं गए थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरबराह इजलास में शिरकत की थी। व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोदी के साथ टेलीफोनिक बातचीत की, इस दौरान उन्होंने G20 समिट पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ब्रिक्स की तोसी समेत जनूबी अफ्रीका में हालिया ब्रिक्स सरबराह इजलास में तय पाने वाले मुआहिदों की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। PMO की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और दो तरफा तआवुन के कई उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमा बड़े पैमाने पर तवानाई के मंसूबों को नाफिज करने और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को वसत देने का इरादा रखते हैं। साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान खलाई तआवुन को फ़रोग देने के इरादे की भी तस्दीक की। वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि सदर पुतिन ने 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने से माजूरी जाहिर की और बताया कि रूस की नुमाइंदगी रूसी फेडरेशन के वज़ीर खारजा सरगेई लावरोफ करेंगे। रूस के फैसले से इत्तेफाक करते हुए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की G20 सदारत के तहत तमाम इकदाम के लिए रूस की मुसलसल हिमायत करने के लिए सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक्वामी और आलम इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।